नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे के एक बड़े और नए अपडेट के बारे में। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए आए दिन नई नई सुविधाएं बहाल करता रहा है, जिससे कि यात्रा के दौरान यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में अब रेलवे ने एक और बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें यात्रा के दौरान महिलाओं को ज़्यादा सुविधा मिलने वाला है। बता दें कि ट्रेन में यात्रा के दौरान छोटा बच्चा भी अगर सफ़र कर रहा है तो ऐसे में माँ को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे ने ट्रेन के लोअर बर्थ में एक सीट पर शिशु के लिए अलग से एक बर्थ जोड़ दिया है। इस बर्थ को बेबी बर्थ के नाम से जाना जाता है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने मदर्स डे के अवसर पर रेलवे ने बेबी बर्थ जोड़ा है। उत्तर रेलवे की तरफ से लखनऊ रेलवे ने इस सुविधा की शुरुआत की है। बता दें कि सबसे पहले लखनऊ मेल में इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही साथ रेलवे ने सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे ट्रेन के AC 3 कोच में 100 सीटों पर ये बेबी बर्थ लगाने की बात कही गई है। इस बेबी बर्थ को लेकर जो तस्वीरें सामने आई है उसमें यह साफ साफ देख सकते हैं कि रेल यात्रियों के लिए जो नॉर्मल बर्थ होता है उसी में इसको जोड़ा गया है, यानी कि बेबी बर्थ को जो है नॉर्मल बर्थ के साथ अटैच किया गया ताकि माँ और बच्चे दोनों एक साथ रह सके। इस बेबी बर्थ से जुड़ जाने के साथ साथ महिलाओं को सीट पर सोने का पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा। इस नए सीट जुड़ जाने के बाद से माँ अपने बच्चों को आसानी से सुला सकती है। साथ ही साथ इस बर्थ में एक स्टॉपर भी जोड़ा गया है, जिससे कि बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ बर्थ से नीचे गिरने की भी संभावना नहीं होगी। इस बेबी सीट को लेकर सबसे खास बात यह है कि आप इसे बहुत ही आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब आपकी इच्छा हो तो आप इस सीट को खोल सकते हैं या फिर उसे बंद कर सकते हैं। आपको बता दें कि बेबी बर्थ लोअर बर्थ में लगाया गया है। बता दें कि रेलवे इसे एक प्रयोग के रूप में देख रही है। अगर आने वाले दिनों में रेलवे का यह प्रयोग सफल रहा तो रेलवे आने वाले दिनों में देश के अन्य ट्रेनों में भी इस तरह की सुविधा बहाल कर सकती है। आपके मन में यह विचार चल रहा होगा कि रेलवे ने जब यह नई सुविधा दी है तो ट्रेन में अलग से टिकट भी इसका करता होगा, तो आपको बता दें कि रेलवे ने इसको लेकर अलग से कोई भी सुविधा बहाल नहीं की है। ऐसे में अगर आप रिजर्वेशन करवाते हैं और आपको लोअर बर्थ मिल रहा है तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रेलवे ने अपने इस प्रयोग को लेकर यह भी बताया है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले दिनों में देश के अन्य ट्रेनों में भी इस तरह की सुविधा बहाल की जा सकती है। इस बेबी बर्थ में बच्चे की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है, जिसमें कि रेलवे ने बर्थ के साथ में एक स्टॉपर लगाया है, जिससे कि बच्चे को बर्थ से जो है वो नीचे ना गिर सके। ऐसे में अब देखना है कि रेलवे का यह प्रयोग कितना सफल रहता है। रेलवे आए दिन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए नए बदलाव करती है, नए नए तरीके ईजाद करती है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।